हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर से उसके वीडियोस कैसे लोड कर सकते हैं। सो हमें उसके लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट थिंग की ज़रूरत है, वो है उस फोल्डर का आईडी। सो अगर आपके पास फोल्डर आईडी है तो आप उस फोल्डर के सारे वीडियोस लोड कर सकते हो। सो लेट जस्ट स्टार्ट। अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड इसके अंदर हमने ऑलरेडी वीडियोस लोड करने का कोड लिखा है। सो मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ एंड इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा हमारे फोल्डर्स के हिसाब से। सो जस्ट कॉपी दिस होल कोड, कंट्रोल सी एंड फोल्डर्स एक्टिविटी, क्योंकि हमें फोल्डर्स एक्टिविटी में लोड करना है। सो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, ओके। एंड यहाँ से हम लोग ये वाला कोड हटा सकते हैं फॉर एडिंग फोल्डर्स, क्योंकि हमें फोल्डर्स एक्चुअली ऐड नहीं करने। एंड ऑल राइट, एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं एंड इस फुल फंक्शन के अंदर मैं फोल्डर आईडी बाहर से पास करूँगा। सो फोल्डर आईडी कोलन एंड ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। ऑल राइट, अब नीचे आ जाते हैं एंड इसमें से कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जैसे कि हमें एक्चुअली फोल्डर आईडी की ज़रूरत नहीं है अभी। सो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड बाकी हमारा कोड अच्छा दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन में यहाँ पे एक सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन स्पेसिफाई करने वाला हूँ एंड मैं इस फोल्डर्स लिस्ट को भी हटा देता हूँ यहाँ से। सो वैल सिलेक्शन इज इक्वल टू एंड यहाँ पे मीडिया स्टोर डॉट वीडियो डॉट मीडिया डॉट बकेट आई डी, विच मीन्स फोल्डर्स आई डी, एंड वो फोल्डर्स आई डी इक्वल होनी चाहिए, मीन्स लाइक एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क। एंड अगर आपको ये लाइक एंड क्वेश्चन मार्क नहीं समझ आ रहा तो आप फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हो कि ये सिर्फ माई एस क्यू एल का सिंटैक्स है। सो ये सिलेक्शन हम लोग यहाँ पे पास करेंगे नल की जगह पे एंड उसके बाद हमें सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स पास करने, मीन्स हमें कौन से फोल्डर्स में से वीडियोस चाहिए। सो इस समय हमारे पास फोल्डर आईडी आ चुकी है, बट यहाँ पे एक्चुअली हमें एक एरे पास करना पड़ता है, जिसे अगर आप चाहो तो मल्टीपल फोल्डर से भी वीडियोस ले सकते हो। सो यहाँ पे एरे ऑफ फोल्डर आईडी एंड दिस विल डू आर वर्क। सो अगर आपके पास और फोल्डर्स होते तो आप यहाँ पे कॉमा का यूज़ करके उसका भी नाम लिख सकते थे, बट इन आर केस हमें एक सिंगल फोल्डर्स में से चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें सिर्फ अब इस फंक्शन को कॉल करना है एंड ये हमें सारे वीडियोस रिटर्न करके दे देगा, ओके। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, विच मीन्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं इन वीडियोज़ को सेव करूँगा। लेट इन इट वेयर एंड करंट फोल्डर वीडियोस, मैं इसका ये नेम रख रहा हूँ थोड़ा सा लॉजिकल, एंड ये एक एरे लिस्ट होगी ऑफ वीडियोज़ की। ऑल राइट, एंड मैं स्टैम्प लिस्ट को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं अभी। एंड हियर करंट फोल्डर वीडियोस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गेट ऑल वीडियोस एंड इसके अंदर हमें एक्चुअली पोजीशन पास करनी है। सो मैं इस कोड को यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड मैं इसे नीचे पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके, क्योंकि हमें पोजीशन की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ये जो भी पोजीशन है यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट फोल्डर लिस्ट स्लैश पोजीशन एंड उसकी आईडी यहाँ पे पास कर दो एंड दिस विल डू आर वर्क, ओके। सो यहाँ पे टेम्प लिस्ट की जगह पे सिंपली पास्ट करंट फोल्डर वीडियोस, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, मैं हमारे एक्टिविटी फोल्डर्स जो है यहाँ पे ये टोटल वीडियोस भी शो कराना चाहता हूँ। सो मैं उसके लिए भी कोड कर लेता हूँ। सो सिंपली बाइंडिंग डॉट टोटल वीडियोज एफ ए डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब जितने भी टोटल वीडियोस वो होने दिखाई देने चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे टोटल वीडियोस एंड डॉलर एंड दो कर्ली ब्रेसेस। सो ये कॉटलिन का सिंटेक्स है एक वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली करंट फोल्डर वीडियोस, मीन्स जो भी वीडियोस है और उसकी साइज़ कितनी है उतनी साइज़ होगी हमारे टोटल वीडियोज़ की भी। एंड इसके बाद यहाँ पे एक वार्निंग है, सो सप्रेस डजेंट मैटर, ओके। एंड दिस विल डू आर वर्क एंड ये सिमिलर वर्क मैं बाकी के साथ भी करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे फोल्डर्स फ्रैगमेंट के साथ। एंड फ्रैगमेंट फोल्डर्स में आ जाते हैं, इसे एक आईडी दे देते, आईडी टोटल फोल्डर्स एंड जस्ट सिंपली क्लोज दिस एंड इसे भी क्लोज कर देता हूँ एंड फ्रैगमेंट फोल्डर्स एंड यहाँ पे
binding dot total folders dot text is equal to total folders colon and again dollar and दो curly braces and उसके बाद main activity dot folders list dot size and this will do our work and यहाँ पे भी वो warning होगी so simply suppress okay and मैं इस code को actually यहाँ से copy कर लेता हूँ and ये similar work हमें हमारे यहाँ पे videos adapter में भी करना है so just paste it here and यहाँ पे total videos है total folders नहीं है so total videos and here total videos and यहाँ पे main activity dot folder list dot size and again suppress okay and now let's run our application and check whether it's working or not so finally Gradle build हो चुका है application install हो चुकी है and now let's move to all folders and let's say course and आप देखो कि उसके सारे videos load हो चुके हैं and अगर मैं back करता हूँ and let's say movies पे click करता हूँ तो ये videos भी load हो चुके हैं and let's try with anyone एंड कैमरा एंड इसके वीडियोज़ भी लोड हो चुके हैं विच मीन्स हम लोग किसी भी फोल्डर से उनके स्पेसिफिक वीडियोज़ लोड कर पा रहे हैं सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय